थर्ड का एफ कर रहे हैं फर्स्ट डे एक्सरसाइज में, जेड स्टार बराबर जेड कॉमा स्टार में परिभाषित एक हमारे पास कोई भी ग्रुप है। हमें जांच करनी है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। अगर स्टार परिभाषित है ए स्टार बराबर मापांक ए इंटू बी, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये द्विधारी संकरियाँ होनी चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब हमें पता है कि दो पूर्णांकों का यानी जो इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो ऑलवेज एक इंटीजर या पूर्णांक प्राप्त होगा, इसका मतलब ये द्विधारी संक्रिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए और बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए बी जो होगा वो भी जेड का एलिमेंट बनेगा, अगर जेड का एलिमेंट बनेगा तो मापांक ऑफ ए बी जो होगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड स्टार, बाइनरी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रिया है। कोई डाउट इसमें? उसके बाद में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि स्टार जो होता है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव यानी साहचर्य, साहचर्यता की शर्त क्या थी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए। ए स्टार बी की वैल्यू हमें दी हुई है, अगर ए स्टार बी फिर स्टार सी करेंगे तो ये बनेगा ए बी का मापांक इंटू सी का मापांक, जो कि ए बी सी के मापांक के बराबर आएगा, अलग अलग नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर से मॉडुलस लगा दें। मापांक का मतलब क्या होता है? ओनली पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान आना है, ऋणात्मक मान आएगा ही नहीं, तो इसमें सिर्फ धनात्मक धनात्मक मान को यानी पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलना है हमें। इसी पर में ए स्टार बी स्टार सी को डिफाइन करेंगे, ए बी सॉरी ए इंटू बी सी आएगा मापांक बी सी, अगेन सेम पार्ट आएगा ए बी सी, यानी ये भी जो हमारे पास स्टार जो है वो एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव का मतलब हो जाएगा हमारे पास साहचर्य है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी, हाँ इनका आंसर सेम होना चाहिए। उसमें एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्टार ए या तत्समक की बात करें इसमें तो ए स्टार ई बराबर ए या ई स्टार ए बराबर ए आ जाए। अब इसको अगर हल करें तो ए स्टार ई का मीनिंग क्या हुआ? मापांक ए ई, और ये बराबर होना चाहिए ए के, इससे हमारे पास मापांक ए इंटू मापांक ई बराबर क्या आ जाएगा? ए। अब इसमें अगर ए का मान जीरो से स्मॉलर है तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, उस केस में ई की वैल्यू माइनस वन आएगी, और मॉडुलस लगा हुआ है उससे हमारे पास जो वैल्यू आनी थी वो इक्वल्स टू माइनस वन कंसिडर की जाएगी, क्योंकि हमारे पास जब देखो रिजल्ट निकाल रहे हैं इसमें तो मापांक ए इंटू बी है। अब चाहे उसको वन से मल्टीप्लाई कर दो चाहे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मापांक हमेशा वही सेम वैल्यू आ सकती है। और अगर ए को ग्रेटर देन जीरो पुट करते हो तो ए ई बराबर ए बनेगा, जिससे ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? वन, एक वन आ रही है और एक माइनस वन। एग्जाम्पल के लिए ये ले सकते हैं, टू इंटू वन का मापांक करेंगे तो टू आएगा, और टू इंटू माइनस वन का मापांक करेंगे तो भी क्या आएगा? टू ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में दोनों बराबर आ रहे हैं, ए स्टार ई और ई स्टार ए के बराबर आ रहा है, तो ई के दो मान आ रहे हैं हमारे पास, एक तो एक आ रहा है और एक निश्चित मान तो नहीं आ रहा, दो अलग अलग मान आ रहे हैं। और अगर दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएँ तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होती है, अगर यूनिक नहीं है आइडेंटिटी इज़ नॉट यूनिक।
अगर ये यूनिक नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही, ये ग्रुप नहीं है। सो जी स्टार ग्रुप नहीं है, नॉट ए ग्रुप। आइडेंटिटी इसमें एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए थी, दो वैल्यूज नहीं आ सकती। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर कोई भी इंटीजर्स को या पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक या इंटीजर ही आता है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा। हम उसकी बाद की कंडीशंस चेक करते हैं। पहली कंडीशन, ए स्टार बी एसोसिएटिव या स्टार इज एसोसिएटिव। अब स्टार एसोसिएटिव सच रहे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। चेक करने के लिए ए स्टार बी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस वन। तो देखो, ए स्टार बी स्टार सी जब डिफाइन करेंगे तो इसमें रूल क्या लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके वन ऐड हो जाता है। अब जब ए स्टार बी और स्टार सी निकालेंगे तो फर्स्ट क्या है, ए स्टार बी की ये री वैल्यू ए प्लस बी प्लस वन है, और प्लस का सी हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू आ जाएगा। इसी फॉर्म में ए स्टार बी स्टार सी को डिफाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्टार, अब बी स्टार सी को पहले लिख लेते हैं। सो बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी प्लस सी प्लस वन आएगा। अब जब ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए के साथ ऑपरेट करने पर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि इसके साथ ये ऐड होके और वन ऐड हो जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू आ गया। दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, एसोसिएटिव है। अगर डिफरेंट आ जाए एसोसिएटिव नहीं है। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन, आइडेंटिटी तत्समक। तत्समक की एक ही कंडीशन थी, ए स्टार ई बराबर ए इक्वल्स टू ई स्टार ए बनना चाहिए। तो हम ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए लिखेंगे, ए से ए कैंसिल कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। हमारे पास ये कंडीशन भी अप्लाई होती है। उसका ई माइनस वन जो है वो इंटीजर है और एक फिक्स वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी इसमें पॉसिबल है। अब आइडेंटिटी के बाद में थर्ड कंडीशन हम इसमें अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स प्रतिलोमी। इनवर्स के लिए कंडीशन थी कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो अब इसमें ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी प्लस एक, और ई का मतलब माइनस एक। बी का मान निकालें तो माइनस टू माइनस ए आ जाएगा। अब अगर ए कोई भी एक इंटीजर है तो बी भी एक यानी माइनस टू माइनस ए भी जो आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर आएगा तो जो इनवर्स है ए इनवर्स वो जेड में बिलोंग करता है, प्रतिलोमी भी विद्यमान है। एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, अगर तीनों कंडीशन को वेरीफाई करता है तो इसका मतलब जेड स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपने थ्री का ही एल पार्ट, जिसमें जेड स्टार में डिफाइन कोई भी एक ऑपरेशन स्टार हमारे पास कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। हमें इसमें चेक करना है कि क्या स्टार जो है वो जी जेड कॉमा स्टार है वो ग्रुप है या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कोई भी इंटीजर्स है उनको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑलवेज
एक इंटीजर पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक से बाहर कोई भी अवयव नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। हम इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अब बाकी की कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यानी साचर्य। अब साचर्यता का अगर जांच करेंगे तो एक नियम लग रहा है इसमें। देखो ए स्टार बी मीन्स दोनों का एडिशन माइनस दोनों का प्रोडक्ट। जब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो ए स्टार बी की वैल्यू तो ये पूरी की पूरी होगी, उसके साथ सी को ऑपरेट करवाना है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले तो इन दोनों का एडिशन होगा, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी के साथ सी ऐड हो जाएगा और प्लस माइनस इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी का सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। भी हम सी का पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन। ये देखो ए स्टार बी में ए का बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें ए स्टार बी का सी से मल्टीप्लाई होना है। ए स्टार बी की वैल्यू ये रही, इस पूरे का सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में। सॉल्व कर लो इसको, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब इसी प्रकार से आप दूसरा पार्ट डिफाइन करके बता दो मेरे को कि वैल्यू क्या आएगी। पहले बी स्टार सी को ले लेते हैं। बी स्टार सी क्या बनेगा, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब अकॉर्डिंग टू रूल ए स्टार बी स्टार सी निकालना है, तो ए स्टार बी स्टार सी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए स्टार बी स्टार सी मतलब पहले दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन तो ए के साथ ऐड होगा बी स्टार सी, बी स्टार सी यानी बी प्लस सी माइनस बी सी ऐड हो गया माइनस। फिर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी ए का मल्टीप्लाई करना है किससे, बी स्टार सी से। बी स्टार सी है क्या, बी प्लस सी माइनस बी सी है। सॉल्व करो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। दोनों सेम आ रहे रिजल्ट, दोनों सेम है, दो साचर्य है, एसोसिएटिव है। सो स्टार इज एसोसिएटिव और साचर्य है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी तत्समक ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए। अब ए स्टार ई यानी ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए आएगा, ए से ए कैंसिल, ई कॉमन, वन माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ई इक्वल्स टू ज़ीरो और ए इक्वल्स टू। अगर ए इज नॉट इक्वल टू वन लेके चलें तो e की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, और जो इंटीजर है आइडेंटिटी इसमें पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ वन कंडीशन इज देयर, ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन। अगर ए की वैल्यू वन ले लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर e की वैल्यू कुछ मर्जी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्सेप्ट वन अदर पार्ट्स के लिए आइडेंटिटी जीरो आ रही है। वी विल कंसिडर ए इज नॉट इक्वल टू वन एन ए आइडेंटिटी इज जीरो। नेक्स्ट जी थ्री कंडीशन स्टार इज इनवर्स, एवरी एलिमेंट हैव देयर इनवर्स या प्रतिलोम, प्रतिलोमी को चेक करना है। प्रतिलोम में क्या करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। ए स्टार बी मीन्स ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, बी कॉमन वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, बी इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन वन माइनस ए। अगेन ए की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, अगर ए वन होगा तो अपॉन में जीरो बन जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट बन जाता है। यही कंडीशन ऊपर की थी, यही कंडीशन इसमें आ रही है कि ए इक्वल्स टू वन के लिए कोई भी हमारे पास इनवर्स नहीं है, और अगर ए इक्वल्स टू वन के लिए इनवर्स नहीं है तो ए एक्सेप्ट ए इक्वल्स टू वन द इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए अपॉन वन माइनस ए। सो ए इक्वल्स टू वन को अगर इस जेड में इंक्लूड करेंगे
तो ये ग्रुप नहीं है। और अगर a इज इक्वल टू वन नहीं लेके चलते, यानी वन को इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड कर दें इंटीजर में से, देन इट इज़ ए ग्रुप। सो हम यहाँ कहेंगे z कॉमा स्टार इज ग्रुप इफ वन डजेंट बिलोंग्स टू z, अदरवाइज ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है में हमें ये गिवन है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें चेक करना है, अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूँ जी, तो हमें जी के साथ मल्टीप्लाई के लिए ये ग्रुप है या नहीं है ये हमें चेक करना है, ग्रुप प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। देखो ग्रुप में सबसे पहले ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, रीड किया होगा, नहीं किया हो तो बता देता हूँ, दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ वन। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ वन, यानी एक का घनमूल। अगर हम किसी का भी घनमूल निकालें, एक का घनमूल निकालें या स्क्वायर क्यूब रूट निकालें, तो तीन वैल्यूज आएंगी। उन तीनों वैल्यू को निकालने के लिए लेट कर लेते हैं ये जेड के इक्वल है एक बार, इससे जेड क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा क्यूब करके सॉल्व करने पर। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे जेड माइनस वन, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ए बी, वो मल्टीप्लाई सॉल्व किया हमने। अब इसमें दो पार्ट बन गए, एक तो जेड इक्वल्स टू वन और एक इससे सॉल्यूशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए बनेगा। सॉल्व करेंगे माइनस वन प्लस माइनस ये अंडर रूट थ्री आइटा बनेगा अपॉन टू, क्योंकि माइनस का थ्री होगा, माइनस का थ्री आइटा बन जाता है। इसमें से एक साइन हमारे पास प्लस का लेके चलें तो उसको ओमेगा कहा जाता है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आइटा अपॉन टू को, और दूसरा जो साइन होता है उसको ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है, बिकॉज अगर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करके देख लेना, ये स्टेप बनेगा, ठीक है। तो ये तीन रूट्स आते हैं इसके, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों की ये तीन कंडीशंस होती हैं। अगर ओमेगा का क्यूब यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट ऑलवेज वन आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू जीरो आएगी, ये कंडीशंस इसमें यूज़ की जाएंगी। तो ये तीन कंडीशंस आ गई हमारे पास, एक तो ओमेगा की वैल्यू याद रख लेना, बहुत काम आएगी आगे भी, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आइटा अपॉन टू, प्लस साइन ले लें तो ओमेगा, माइनस साइन ले लें तो रूट थ्री आइटा अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर, और एक ये वैल्यू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है। अब हमें इस कंडीशन पर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये चेक करना है कि क्या ये जो दिया गया गिवन पार्ट है वो एक ग्रुप है या नहीं। ग्रुप के लिए वही कंडीशंस हमारे पास, आइदर तो आप इसको टेबल बना के भी शो कर सकते हैं या डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। अगर मैं ऑपरेशन टेबल बना दूं, संक्रिया सारणी बना दूं, तो ऑपरेशन टेबल कुछ इस फॉर्म में बनेगी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन का वन से, वन का ओमेगा से, वन का ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा का वन से, ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है, ओमेगा स्क्वायर का वन से, ओमेगा क्यूब की वैल्यू ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब बन जाएगी यानी वन आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर फोर आएगी, और ओमेगा की पावर फोर जो होती है ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा लिखा जा सकता है,
और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का मतलब हो गया 1 इंटू ओमेगा, जो ओमेगा के इक्वल आएगा, ये आ गया ओमेगा। इस ऑपरेशन टेबल के सारे एलिमेंट्स इस जी से रिलेटेड है, अगर जी से रिलेटेड है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप यहाँ लिखोगे कि ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू जी इट इज बाइनरी ऑपरेशन, यानी जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे अवयव किससे संबंधित हैं, जी के अवयव हैं। अगर जी के अवयव हैं, जी से रिलेटेड हैं, तो ये द्विधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। यहाँ पे ये लाइन आप लिख लेना कि सभी अवयव जी से संबंधित हैं, अतः गुणा द्विधारी संक्रिया है। फिर एसोसिएटिव चेक करने के लिए कोई भी तीन मान ले लीजिए आप, जैसे एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह इक्वल आएगा एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के, मल्टीप्लिकेशन वैसे भी एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे पास कंडीशन आएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, साचर्य होता है, सो इसका मतलब मल्टीप्लाई एसोसिएटिव है, साचर्य है, मल्टीप्लिकेशन साचर्य है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा साचर्य होता है। उसके बाद में आता है हमारे पास आइडेंटिटी, इस कॉलम के इक्वल कॉलम किस पर आ रहे हैं, वन पर, तो वन जो है वो आइडेंटिटी है और ये इस जी से बिलोंग करता है, जी में वन है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, तत्समक विद्यमान है। उसके बाद में इनवर्स निकालना होता है, एक का इनवर्स, यानी इस जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं उस रो में आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, एक पर ही आ रही है, तो वन का इनवर्स वन है। ओमेगा पर आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, तो इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर पर आइडेंटिटी किस पर आ रही है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स होगा वो ओमेगा होगा। जितने एलिमेंट थे सभी के इनवर्स पॉसिबल हैं, अगर सभी के इनवर्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट, प्रतिलोमी विद्यमान है। तीनों कंडीशंस अप्लाई हो गई, इसका अर्थ ये हो गया कि जी स्टार जो है वो एक ग्रुप है, जी इंटू है वो ग्रुप है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ का ई पार्ट करते हैं, डी पार्ट कर रहे हैं हम। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 अप टू एम माइनस वन तक दिया हुआ है हमें, और प्लस एम मॉडुलो पर डिफाइंड करने। एक ग्रुप जी दिया हुआ है हमें 0, 1, 2 अप टू एम माइनस वन तक, प्लस एम मॉडुलो पर हमें, प्लस एम मॉडुलो का मतलब क्या है कि यदि m या m से बड़ा कोई भी मान आएगा हम m को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है, m या m से बड़ा जब भी वैल्यू आएगी, जैसे प्लस 5 आ जाए तो प्लस 5 का मतलब 5 या 5 से बड़ा आने पर 5 को घटा के सब्ट्रैक्ट करके लिखना है 5 को, और 5 को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं आराम से। तो कुछ उसी तरह की कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है हमें। सबसे पहले हमें पता है कि एडिशन में ऑलवेज ये एस जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको डिफाइन करेगा, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं।
एडिटिविटी प्रॉपर्टी में जैसे 2 प्लस एम मॉडुलो पर 3 प्लस एम मॉडुलो पर 4 लेके चलें, तो कोई पहले दो ऐड कर लीजिए, रिजल्ट इसमें भी 9 आएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 प्लस 4 इक्वल्स टू करेंगे तो भी 9 आएगा। यानी अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, हमें उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, तो आप कहोगे कि जी स्टार या जी प्लस एम इज़ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स साचर्य, कि साचर्यता की कंडीशन को अप्लाई करता है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर जीरो ऐड करोगे ऑलवेज वही एलिमेंट आ जाएगा, और जीरो इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब आइडेंटिटी जीरो है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड कंडीशन में इसमें तत्समक विद्यमान है। थर्ड कंडीशन क्या थी? इनवर्स। अब ए में प्लस एम मॉडुलो पर क्या ऐड करेंगे रिजल्ट जीरो आ जाए, माइनस ए उसमें है नहीं। तो यहां पे हमारे पास जब कंडीशन लेंगे तो एम माइनस एक इंटू ए लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए प्लस एम बेस पर एम ए प्लस माइनस ए बन जाएगा, नहीं है इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, वो तो प्रूफ करना है हमें। अगर इसको लेके चलें तो ए से ए और एम ए का मतलब एम के बराबर आ गया, अगर एम के इक्वल आ गया तो एम को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अगर एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज? देखो, अगर प्लस फाइव मॉडुलो होता तो चाहे फाइव इंटू वन कर लो, फाइव इंटू वन कितना आता? फाइव। लेकिन फाइव आ नहीं सकता, फाइव को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, फाइव माइनस फाइव करेंगे तो जीरो। अगर फाइव इंटू टू करते तो फाइव टू द टेन, लेकिन टेन आ नहीं सकता, फाइव से ग्रेटर है। फिर फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा? फाइव। लेकिन फिर भी फाइव फाइव के इक्वल तो आ गया, फिर फाइव सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना आएगा? जीरो। फाइव इंटू थ्री करो, 15, 5 सब्ट्रैक्ट किया 10, 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, और 5 फिर सब्ट्रैक्ट होगा, 0। जब तक 5 से स्मॉलर वैल्यू नहीं आती तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे उसको, ये भी 0। यानी अगर 5 मॉडुलो दिया हुआ है और उसको 5 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट 0 आएगा, ये कंडीशन यहाँ है। एम मॉडुलो दिया हुआ था, एम मॉडुलो पर अगर एम का ए से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर इनवर्स भी पॉसिबल है, m इंटू एम माइनस वन इंटू ए जो है वो इसमें बिलोंग करेगा। अगर a कोई भी एक वैल्यू ले लो इनमें से, m माइनस एक से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जरूर इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा तो यहाँ हमारे पास एड इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट। अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है या प्रतिलोमी विद्यमान है तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। अगर तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो ये एक ग्रुप है, जी प्लस फाइव एम इज ए ग्रुप।